आदाब नाजर, मैं हूँ नाजर के इशार। आप देख रहे हैं मुझको यूट्यूब और फेसबुक लाइव पर। तो मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट और सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट है सईद नवीद हाशमी। तो ये आज भदरवा आए हैं, तो इनसे जाने की कोशिश करेंगे क्या वजह रही भदरवा आने की और इनने यहाँ पर क्या महसूस किया इस कोविड-19 में। नवीद साहब, भदरवा आने की क्या वजह रही आज इस पैंडमिक में? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर नासिर, आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज तुम ऐसे जर्नलिस्ट हो हमारी चुनाव वैली के कि जो हर जगह पे हाजिर होते हैं बिना किसी सौदाबाजी के। थैंक यू वेरी मच। सेकेंडरी, मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते और डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस होने के नाते ये मेरा फ़र्ज ऐन बनता है कि अगर मैं अपने डोडा के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो क्या मेरा पड़ोसी, मेरा साथी भदरवा का जो मेरा अपना है, क्या वो ठीक है, क्या वहाँ पर सिस्टम ठीक है? सो ये करके मुझे कुछ मेरे को कोई अप्रिहेंशंस थी जो मुझे बोला गया था कि डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न भदरवा में कुछ कमियां हैं या बट वैसा मुझे दिखने को अभी तक कुछ खास मिला नहीं। मैंने यहाँ पे अपना कोविड शॉट भी करवाया है एंड दैट टू मुझे मैंने यहाँ पे स्टाफ से भी बात की। यहाँ पे इनके पास तो तैयारी है बट जो मेजर तैयारियाँ हैं वो तो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास नहीं है डोडा में तो इनके पास क्या होगा। एज़ यूजुअल ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे भी है, डोडा में भी है, यहाँ पे भी बेड्स की कमी है, वहाँ में भी है, वेंटिलेटर्स की कमी यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। सो देखना ये है कि क्या इनके पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब डिवीजन हॉस्पिटल के पास स्टाफ है, इनके पास इस वक्त क्या किसी और चीज़ की कमी नहीं है। बट मेजरली मुझे ऐसा दिखा नहीं, कुछ सब लोग ठीक चल रहे हैं। जनरेटर इनके पास एक है जिसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि जनरेटर इनके पास है जो डिफंक्ट हो चुका है। और दूसरा, सेकेंडरी, स्वीपर्स ने यहाँ कंप्लेंट करी कि हमारे पास जी यहाँ पे जो सब डिवीजन हॉस्पिटल में 2 के 3 स्वीपर्स हैं। सो इसको भी सुपरिटेंडेंट साहब को भी यहाँ से फॉरवर्ड करना चाहिए डीसी साहब को। मैं भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन हॉस्पिटल भदरवा में हैं, जो कमियाँ हैं, ये सारी पूरी होनी चाहिए ताकि लोग इस महामारी में सफ़र ना करें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी जो है पाई जा रही है, यहाँ पर उतनी महामारी अभी नहीं फैली है। जैसे कि आपने कहा कि प्रॉब्लम डोडा में भी है, भदरवा में भी है, इन केस अगर यहाँ पर महामारी फैलती है तो क्या लगता है आपको ज़िला डोडा के लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं ये सब चीज़ें जो है महामारी को कंट्रोल करना, उसको बढ़ाना 80% डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। अब पूछोगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में क्या है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सबसे पहले डीसी है जिसके पास सारे मैजिस्ट्रल पावर्स हैं, उसके बाद एसएसपी है जिसके पास पुलिसिंग की सारी पावर्स हैं। देखो कोविड कैसे रुकेगा, कोविड इनके एटीट्यूड से नहीं रुकेगा कि ये लॉकडाउन करवाएं, दुकानदारों को मारें, दुकानें बंद करवाएं, लोगों को हैरास करें। कोविड ऐसे ख़त्म नहीं होगा, कोविड पीपल फ्रेंडली होगा। इनको लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि यार एसओपीज को फॉलो करो, मास्क को फॉलो करो, हाइजीन को फॉलो करो, वैक्सीन लगवाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, पीपल फ्रेंडली। वो डीसी डोडा को, एसएसपी डोडा को, एचडीपी और भदरवा को मिलके करना है, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को डराना नहीं है। दूसरी बात ये कि जहाँ भी टेस्टिंग है इनको चाहिए अपना टेस्टिंग इंक्रीज करे, क्योंकि टेस्टिंग इंक्रीज से भी काफ़ी मतलब मुफीद है वो। वैक्सीन को बढ़ाएं, लोगों में जाएं, लोगों को बताएं कि ये कोई, मैंने खुद यहाँ पे कोविड का शॉट आज लिया है, मैंने वो लोगों को दिखाया कि यार ये तुम लोग अपने आप को कर रहे हो, अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर रहे हो। जहाँ तक बात है महामारी की, अगर महामारी का इफेक्ट होता है, पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, डीसीज के हाथ में, एसएसपीज के हाथ में, एसडीपीओज के हाथ में। फर्स्ट स्टेप वो है कि वो लोगों के साथ बड़ा एमिकेबली करें। दूसरा जो है, दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास ये है कि जो भी सिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक होता है या प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है, मुझे सुनने में आया कि कहीं दाएं बाएं सिटीज़ में प्राइमरी कॉन्टैक्ट के लोग ओपनली फिर रहे हैं। अगर किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में, किसी शहर में 2 से 4 से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स आते हैं, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन कर दो। क्यों आप लोगों को रिस्क में डालना चाहते हो? क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाजार में प्राइमरी कॉन्टैक्ट के कोविड पेशेंट्स घूमते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को उस चीज़ की केयर नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ केयर है इस चीज़ के, दुकानदार को बंद करो। यार दुकानदार को बंद करने से कुछ नहीं हुआ है, आपके एसपीओस फॉलो, एसपीओ एसओपीस फॉलो कर रहा है। आपने जो करना है, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग करो, टेस्टिंग को स्ट्रांग करो, प्रॉपर विजिलेंस रखो कि किस घर में कोविड पेशेंट्स है, उसको बाहर से सील कर दो या उसको बाहर से एक पोस्टर लगा दो कि यार ये कोविड होम है।
अपने क्वारंटाइन्स को स्ट्रॉन्ग करो, ऑक्सीजन की फैसिलिटीज जो आपके नाक के नीचे से, मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे से ऑक्सीजन लेके चले गए, जो ऑक्सीजन कल को भद्रवाह हॉस्पिटल में भी होती, जो ऑक्सीजन डोडा में भी होती, बलेसा में भी होती, किश्तवाड़ में भी होती, मगर इनकी नाहेली की वजह से वो ऑक्सीजन इस वक्त चला गया। अल्लाह ना करे कि वो महामारी आए। महामारी आने से पहले मैं गुजारिश करता हूँ LG से भी, कमिश्नर हेल्थ से भी, डायरेक्टर हेल्थ से भी, कि एक खुसूसन एक स्पेशल नज़र डिस्ट्रिक्ट डोडा पे रखें, जिसमें हमारा डोडा आता है, किश्तवाड़ आता है, भद्रवाह आता है, कि यहाँ पे किसी तरह की कोताही ना हो, लोगों की जानों को खतरों में ना डाला जाए। तावर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, भद्रवाह में आप आए हैं, भद्रवाह हॉस्पिटल ने पिछले साल कोविड के दौरान ही 75 लाख ऑक्सीजन जो है स्टोरेज प्लांट यहाँ पर लगाया गया था, 75 लाख उसी कॉस्ट हैंड ओवर टेक ओवर भी हुआ था, लेकिन आज तक उसमें ऑक्सीजन नहीं पड़ा है, तो क्या लगता है आपको कि एडमिशन कहीं ना कहीं इसको सीरियसली ले रही है कि नहीं ले रही है? देखिए, ये जो चोरी है, मैं पहले ही बोलूँगा कि कोविड की चोरी एक दुकानदार नहीं कर रहा है, कोविड की चोरी एक मुलाजिम, छोटा मुलाजिम नहीं कर रहा है। कोविड में जो माल प्रैक्टिस हो रही है, जो करप्शन हो रही है, वो हाई लेवल से हो रही है, और नतीजा जो है वो आम लोग भुगत रहे हैं। अगर 75 लाख का यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया तो अभी क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये एसर्टेन करना इस वक्त LG का काम है, IG का काम है, कमिश्नर का काम है, कि इस वक्त कम से कम कोई ऐसी करप्शन ना हो जिस करप्शन की वजह से लोग मरेंगे और जिम्मेवारी सारी हेल्थ डिपार्टमेंट पे जाएगी और LG ऑफ जम्मू कश्मीर पे जाएगी। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि जब पिछले साल 2020 में लॉकडाउन यहाँ पर लगा था, पूरे भारत में लगा था, जिला डोडा में लगा था, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछता था उसको सीधे थ्रेट आती थी, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है आप पर FIR लगेगी। क्या आपको लगता है कि जो है सवाल करना जो है सही रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से? अगर करना चाहिए, अगर करेंगे सवाल तो उनको जवाब देना चाहिए, ना कि थ्रेट करना चाहिए जो भी उनसे सवाल करता है। देखिए, क्या कहते हैं नासिर साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पिलर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है किसी भी इंसान को अपना अपने बोलने के लिए, यह हक है। इस हक को कोई ज़बरदस्ती किसी पुलिसिंग से डराया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस वक्त लोगों की जानों का मसला है। बिल्डिंग का, रोड का, पानी का होता मैं मानता, मगर यह लोगों की जानों का मसला है। लोगों ने पूछना है और इनकी ड्यूटी है कि इनको जवाब देना है। उसके साथ साथ मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पर इतना भरोसा है, मुझे जुडिशरी पर भी, जम्मू कश्मीर की भी, हिंदुस्तान की भी इतना भरोसा है कि अगर आप हक की बात करोगे तो आपको कोई नहीं मारेगा। तो डी साहब, जहाँ तक बात आती है डी साहब जहाँ पर नए आए हैं, तो क्या लगता है आपको इनमें है कैपेसिटी, कितना ये जो है इफेक्टिव रहेंगे हमारे ज़िला डोडा के लिए कोविड सिचुएशन को लेकर? देखिए, मुझे तो जो उनका एक पर्सोना है, तो जो उनका गेस्चर है, उससे मुझे लगा कि कहीं वो ठीक हैं, मगर DC डोडा की लीनियंसी से नहीं होगा। शायद कहीं ना कहीं DC डोडा कमज़ोर है, SSP डोडा कमज़ोर था, कि इनकी नाक के नीचे से ऑक्सीजन प्लांट को वापस लिया गया, पंजाब पहुंचाया गया और इनको पता नहीं चला। जब इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि हमने जी FIR कटवा दी। अरे भाई, ये लोगों की जानों का मसला है, आपको 24/7 ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था यहाँ पे, ना कि FIR काटना। हमें उस FIR काटने से हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर ऑक्सीजन प्लांट यहाँ डेवलप होता तो उससे फ़ायदा होता ना, उसको वहाँ जाने से नहीं होगा ना। अब इनसे बात चल, इनने बोला कि हम जी 1 मार्च तक, अब मई तक हम इसको इंस्टॉल करेंगे ऑक्सीजन प्लांट को। अगर करते हैं तो ठीक, अगर नहीं करते हैं तो सारी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे है, LG पे है। दावर साहब, जैसे कि कल रात को ऑर्डर निकला है कि 11 डिस्ट्रिक्टों में जो है लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्या लगता है आपको ज़िला डोडा जो है कितना इसमें लॉकडाउन में यहाँ पर लगने के चांसेस होंगे? देखिए नासिर, जहाँ तक ये लॉकडाउन की थ्योरी मुझे बता रहे हैं, लॉकडाउन की थ्योरी जो है ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है कि लॉकडाउन से कोविड खत्म होगा। कोविड अगर खत्म होगा तो प्रॉपर SOPs को फॉलो करने से होगा। कोविड खत्म होगा मास्क से, कोविड खत्म होगा सैनिटाइजेशन से, कोविड खत्म होगा सोशल डिस्टेंस से, कोविड खत्म होगा वैक्सीन से, कोविड खत्म होगा लोगों को एजुकेट करने से, कोविड खत्म लॉकडाउन से नहीं होगा। अगर कोविड लॉकडाउन से खत्म होता तो कुंभ के मेले में 50 लाख साधु वहां पे थे, इकट्ठे थे, क्या 50 लाख के 50 लाख मर गए? नॉमिनल है, 50 लाख में 1000 साधु इफेक्ट हुआ, बाकी लाखों साधु बचे ना। इसका मतलब कि लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है। अलबत्ता ये UTs में इस वक्त इन्होंने इजिएस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इस वक्त मौजूदा वक्त के, उनको ये सबसे आसान लगता है, लॉकडाउन कर दो, लोगों को घरों में बंद कर दो, कोविड खत्म होगा। लॉकडाउन इसका, लॉकडाउन से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। लॉकडाउन में लोगों को खाने के लिए नहीं होता, लोग लॉकडाउन में लोग कर्जदार हो जाते हैं, लॉकडाउन में लोग चोरियाँ करते हैं, उसका जिम्मेवार कौन होगा?
लॉकडाउन करने का मतलब साइकोलॉजिकली लोगों को डिस्टर्ब करना। अगर इनको करना है प्रॉपर चैनल से ये करें, SOPs को फॉलो करें, दैट टू विद इन द विजिलेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशन, अपने मशीनरी को तेज करें, 24/7 उनको अलर्ट रखें, सारे पुलिस ऑफिसर्स को अलर्ट रखें, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलर्ट रखें 24/7, देखो फिर कैसे चोरी होती। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जब 2020 में यहाँ पर लॉकडाउन लगा था, पूरे वर्ल्ड में लगा था, तो यही कहा जाता था वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी। अब जब आ गई और भारत जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन का, वैक्सीन भी हमारे पास है, तब भी केसेस बढ़ रहे हैं, क्या समझते हैं वैक्सीन का, क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखिए नासिर, वैक्सीन जहाँ से आई जो बनी, ये नहीं है कि वैक्सीन का इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट विद इन सिस्टम कहीं पे करप्शन ऐसी है जो कोविड वैक्सीन असर नहीं कर रही है। ये कहाँ से र्यूमर्स आए कि आप वैक्सीन करा के मरोगे? आधी पॉपुलेशन तो उस डर के मारे नहीं करवा रही है। ये किनका काम था? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, ये पुलिस का काम था, ये LG का काम था, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, लोगों को हर दिन अवेयर करना, ड्रम बीटिंग्स करवाना, हर इलाके में ड्रम बीटिंग्स करवाना कि यार कोविड का ये प्रोटोकॉल है, ऐसे बचो, वैक्सीन कराओ, जाने बचे। ये तो सिस्टम ही फेलियर है ना, ये इनका सिस्टम ही सेंटर से ही फेलियर है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि लोग सारे कंसीव करें कोविड को, क्योंकि अगर ये सारे लोगों को कोविड देने पे बैठे तो ये तो अकाउंटेबल है ना उस चीज़ के लिए, इसलिए ये लोगों को जुटला रहे हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फिर मुअद्दबाना गुजारिश है, मेरी LG साहब से गुजारिश है, मेरी SSP डोडा से गुजारिश है, चाहे वो बदरवा हो, डोडा हो, ठाठरी हो, रामबन हो, बटोत हो, और स्टवाइल जितना भी डोडा है, खुद विजिलेंट रहें थोड़ा सा सड़कों में, DC साहब खुद उतरे अपनी टीम को लेके, प्रिंसिपल GMC खुद उतरे, मॉनिटर करें हॉस्पिटल्स को, SSP अपनी टीम लेके निकले कि कहीं पे कोई कोविड की वायलेशन तो नहीं हो रही, कोई एसिम्प्टोमेटिक, कोई प्राइमरी कॉन्टैक्ट वाला बाजार में तो नहीं घूम रहा है, जिनको क्वारंटाइन किया है क्या क्वारंटाइन सेंटर्स बिल्कुल सेफली चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों से कोविड पे कंट्रोल होगा, दाड़ाशाही से या लॉकडाउन से नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सईद नवीद हाशमी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और सोशल एक्टिविस्ट भी, इनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है यहाँ पर काम करना चाहिए ताकि आम इंसान की ज़िंदगी बची रह सके। बदरवा से मैं नासिर के शाह, JKC News।